फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अक्सर ये पूछते हैं कि सर, जैसे हम बिहार में टीचर बनना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट यूपी में टीचर बनना चाहता है, कोई राजस्थान में, एमपी में, हरियाणा में, झारखंड में, तो गाइस इन सभी स्टेट्स में टीचर बनने का क्या प्रोसेस है, आफ्टर डीएलएड आपको और कौन कौन से एग्जाम पास करने होंगे, यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और आप इन सभी एग्जाम देने के लिए कब एलिजिबल हो जाओगे, तो गाइस देखो, जब आप डीएलएड कर लोगे, मान लीजिए अगर आपका डीएलएड कोर्स में एडमिशन हो चुका है, तो इसके बाद दोस्तों आपको एक एग्जाम देना होता है ना, जिसे हम शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए, सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसे शिक्षक पात्रता परीक्षा कहा जाता है। अब पात्रता परीक्षा का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हो, तो आप दोस्तों सीटेट या यूपी टेट या बिहार टेट या रीट का एग्जाम पास करके आप टीचर बनने के पात्र हो जाओगे, मतलब योग्य हो जाओगे। जैसे सीटेट का फुल फॉर्म से ही हमें यह पता चलता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी का मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे, उसके योग्य हो जाओगे। अब गाइस देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट ये आता है कि जैसे हम डीएलएड में एडमिशन अभी लिए हैं, तो उसके बाद ही हम सीटेट दे देंगे, तो क्या ये हमारा वैलिड होगा अगर पास कर लेते हैं? तो बिल्कुल गाइस, अगर आपका एडमिशन हो चुका है डीएलएड में, भले ही एक दिन ही क्यों ना हुआ हो, आपका जो है ये पात्रता परीक्षा जो है ये मतलब वैलिड होगा अगर आप पास कर लेते हो। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आखिर सीटेट, यूपी टेट, बीटेट और रीट में क्या अंतर है? तो देखो गाइस, सेंट्रल लेवल पर जो पात्रता परीक्षा होता है ना, उसे सीटेट के नाम से जानते हैं। अब सीटेट पास करने का बेनिफिट क्या है ना, ये सेंट्रल लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जब आप सीटेट पास कर लेते हो, तो होता क्या है दोस्तों, जैसे आप बिहार से हो और राजस्थान में नहीं, सीटेट वालों को योग्य मानते हैं, जैसे यूपी में टीचर की वैकेंसी आई, झारखंड में, एमपी में, उत्तराखंड में, तो मोस्टली जो स्टेट है ना, वहां पर सीटेट योग्य स्टूडेंट पास, मतलब सीटेट पास स्टूडेंट वहां पर टीचर बनने के लिए एलिजिबल होता है। तो अगर आप एक पात्रता परीक्षा सीटेट पास कर लेते हो सेंट्रल लेवल का, तो आप कई स्टेट्स में टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वहीं पर ये जो यूपी टेट, बिहार टेट और ये जो रीट होता है ना, ये उस स्टेट्स के लिए पर्टिकुलर होता है। तो आप अगर बीटेट पास करते हो, तो केवल अपने बिहार राज्य में ही टीचर बनने के लिए पात्र हो रहोगे, अदर स्टेट्स में नहीं। तो ये अंतर पता चल गया। और जब आप इन सभी पात्रता परीक्षा को पास कर लोगे, इनमें से कोई एक, ठीक है, सीटेट पास करोगे तो मोस्टली स्टेट्स में एलिजिबल होगे, बाकी यूपी टेट करोगे तो ये उत्तर प्रदेश का है, यूपी में ही बन पाओगे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगर आप सीटेट पास हो, तो यूपी में भी टीचर बन सकते हो, बिहार में भी, राजस्थान में टीचर बनने के लिए रीट का एग्जाम होता है, रीट लेवल 1 पात्रता परीक्षा, और रीट लेवल 2 जो है ना, ये फाइनल सिलेक्शन के लिए एग्जाम होता है। जैसे आप सीटेट पास हो, कोई स्टूडेंट बिहार टेट पास होगा, तो उसके बाद जब आप सीटेट का पात्रता परीक्षा पास कर लोगे, तो उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो टीचर की जो वैकेंसी आती है और उसके लिए जो एग्जाम होता है, उसे दोस्तों किसी स्टेट्स में बीपीएससी, बिहार में बीपीएससी, यूपी में सुपर टेट, केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने के लिए केबीएस, और राजस्थान में टीचर बनने के लिए रीट लेवल 2 का एग्जाम होता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो इस एग्जाम को जब आप क्लियर कर लोगे, कट ऑफ अकॉर्डिंग आपका नंबर आ जाएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।